कितना अच्छा हो कि भूकंप जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आने से पहले आपको किसी तरीके का कोई अलर्ट मैसेज मिल जाए। दरअसल गूगल इसी की तैयारी कर रहा है। प्राकृतिक आपदा आज भी इंसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, लेकिन इसके लिए गूगल ने तैयारी कर ली है। गूगल भूकंप के लिए दो तरीके का अलर्ट भेजने वाला है। पहला अलर्ट होगा हल्के झटके के लिए। अगर आपका फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड में है तो इस अलर्ट के आने के बाद आपका फोन रिंग नहीं करेगा। दूसरा अलर्ट होगा तेज झटकों के लिए। तो जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, वैसी वैसी टेक्नोलॉजीज भी सामने आ रही हैं, और इसी तरीके की एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप भूकंप जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा का अलर्ट अपने फोन पर प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर बारिश और खराब मौसम की जानकारी पहले ही मिल जाती है। इसके लिए आप बहुत सारे एजेंसीज को सर्च कर लेते हैं जिसमें आपको वेदर रिपोर्ट जैसी सारी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन अब आपको किसी भी प्राकृतिक आपदा यानी भूकंप के लिए गूगल के भरोसे रहना है, यानी अब गूगल इसके लिए आगे आया है। गूगल ने अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक नया फीचर जारी किया है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये फिलहाल अभी सभी तरीके के फोन में नहीं है। हो सकता है कुछ एक फोन में ये फीचर इस वक्त दिख जाए, लेकिन आने वाले दिनों में ये फीचर तमाम फोन में दिखने वाला है। गूगल ने कहा है स्मार्टफोन भूकंप के बारे में पहले अलर्ट दे सकता है। गूगल के मुताबिक एंड्रॉइड स्मार्टफोन के एक्सेलरेटर जैसे सेंसर भूकंप के आगामी झटकों का पता लगा सकते हैं। इन्हें छोटे भूकंप मापी यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। गूगल ने एंड्रॉइड के इस फीचर को अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम नाम दिया है। गूगल ने अपने एक बयान में कहा कि स्मार्टफोन में भूकंप का अलर्ट देने के लिए वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी NSC के साथ बातचीत कर रहा है। ये अलर्ट फोन में सपोर्ट करने वाली सभी भाषाओं और स्थानीय भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। तो गूगल भूकंप के लिए दो तरीके के अलर्ट भेजेगा। पहला अलर्ट होगा हल्के झटके के लिए। अगर आपका फोन उस वक्त डू नॉट डिस्टर्ब मोड में है तो इस अलर्ट के आने के बाद आपका फोन रिंग नहीं करेगा। दूसरा अलर्ट तेज झटकों के लिए होगा। यह अलर्ट डू नॉट डिस्टर्ब मोड में फोन के होने के बाद भी सिस्टम को बायपास करके फोन को रिंग कराएगा। इस अलर्ट में लोगों को भूकंप से बचने के तरीके भी बताए जाएंगे। अपने फोन में भूकंप अलर्ट की सेटिंग को आपको कैसे ऑन करना है वो भी समझ लीजिए। आप अपने फोन के सेटिंग में जा सकते हैं, वहां सेफ्टी एंड इमरजेंसी के ऑप्शन को चुनिए, फिर अर्थक्वेक अलर्ट को ऑन कर दीजिए। ख्याल रखिए अभी आपके फोन में ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। हो सकता है कुछ एक फोन में ये ऑप्शन दिख जाए, लेकिन कई फोन ऐसे हैं जिसमें इस वक्त ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसके अलावा भी एक तरीका है फोन की सेटिंग में लोकेशन सेटिंग में जाकर फिर एडवांस सेटिंग से भी अर्थक्वेक अलर्ट्स को ऑन कर सकते हैं। हालांकि इसका अपडेट अभी गूगल की ओर से जारी नहीं किया गया है, जल्द ही इसे जारी किया जा सकेगा। अगर आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाते हैं, सेफ्टी एंड इमरजेंसी के विकल्प को चुनते हैं, वहां अर्थक्वेक जैसा कोई भी अलर्ट आपको नहीं दिखता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इस पर काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में ये अलर्ट आपके फोन में दिखना शुरू हो जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।